34 हुआ है, 15 रुपए का तुम चाय खारी खा लेना। हाँ, और आज मेरा ड्राइवर, उसकी बीवी भाग गई है किसी के साथ, ठीक है, इसलिए मैं ऑटो में आई हूँ। ताकि जब आप दुआ करो रास्ता मिल जाए उसको, उधर से उतरने रास्ता आए ना, इधर से उधर से, अरे इधर ही तो उतरेंगे ना, उधर नहीं है, नहीं आ जाए इधर, इधर से ही उतरे। ताकि जी आप रिक्शे से? हाँ रिक्शा से आई हूँ, इसलिए क्योंकि वो मेरा ड्राइवर है ना, उसकी बीवी भाग गई है। अरे बाप रे, और वो उसको ढूंढने गया है। आज सरप्राइज हो गए हम लोग, मेरे को रिक्शा में आना पड़ा, मैं क्या करूँ, हम लोग सरप्राइज हो गए। मुझे कार चलाना है, लेकिन मुझे मुंबई के ट्रैफिक में कार चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बराबर स्टार्टिंग में मैं कार चलाती तो बहुत लोगों को ठोक दिया था। अरे बाप रे, तो अब मैं कार नहीं चला। बराबर से आए रिक्शा में? हाँ ये तो लेकर ले आया मुझे बराबर। रिक्शा वाला फोटो ले रहा है, तभी तो रिक्शा वाले को मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया, चाय और वो क्या खारी खा लेना। इसका आज लग हो जाएगा, आज रात की रिक्शा से। चलो स्टूडियो में बैठिए ना, संगीत में। हाँ उधर खड़ी हो। हाँ आराम से आराम से, फिर निकालू। हाँ क्या बोलते हो? बहुत धूम मचाया बिग बॉस गैंग ने। हाँ सब लोगों ने बहुत धूम मचाया, बहुत मजा आया, एक से एक खाना था, मेरे सब खाने की वीडियो बराबर आपका व्लॉग देखे, बहुत अच्छा था। हाँ और फिर इतने में मेरी मम्मी का मैसेज आया रोते रोते, वो माँ मेरी वॉशरूम गई, क्योंकि माँ को छोड़ के कभी मैं मतलब 7-7:30 बजे घर में पहुंच जाती हूँ, लेट कभी नहीं करती हूँ, तब तक मेरी भाभी रहती है। तो माँ का मैसेज आया रोते रोते कि माँ वो क्या बोलते वो वॉशरूम में गई तो गिर गई, पैर फिसल गया मॉम का। अभी ठीक है? उस वक्त ठीक है मम्मी जी अभी? हाँ मतलब के ठीक है, मतलब फिर मैं तुरंत मुझे सब लोग मिक्का जी सब लोग आए ना तो वो मुझे करने नहीं मिला। ओके ओके सर, आ जाओ इस साइड आ जाओ, चलेगा। हाय आई एम गुड, हाउ आर यू? सो गाइज मैं फिर वो पाजी के साथ और उनके साथ डांस नहीं कर पाई, क्योंकि मम्मी का देखो मैसेज आया। देखो आप सुन रहे हो ना, ज़्यादा लगा नहीं मम्मी जी को? हाँ ज़्यादा लगा नहीं मम्मी जी को, तो फिसल गई मम्मी, तो मम्मी रो रही थी। तो फिर मैं तुरंत भाग गई, मैं और विकास भाई चले गए घर पे, और जाके देखा तो मम्मी बेहोश थी। अरे बाप रे बाप। तो फिर प्रेयर वेयर किया और डॉक्टर बुलाया मम्मी, और मम्मी रेडिएशन ले रही है ना, वेट कम हो रहा है और दिन में कम से कम इतने लूज मोशन हो रहे हैं, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता, मम्मी चल भी नहीं सकती। मैं जैसे भी टाइम निकाल के शादी में गई थी, यू नो, इसलिए मैं 7:30 बजे घर पहुंच जाती हूँ। आपका डांस भी देखा? हाँ राखी जी क्या, लेकिन मैं वो प्रॉपर परफॉर्मेंस जो बोलते हैं वो नहीं कर पाई। चलो ठीक है, हमारी दुआएं हैं। राखी जी आप पहुंचे तो आपका गाना बजा था ड्रीम में एंट्री, राहुल सब लोग तो सब बोल रहे थे आज हम ड्रीम में एंट्री डांस करेंगे, सब बोल रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा टाइम 1.5 घंटा रही, 2 घंटे वो सब डांस करना था, क्योंकि सबका परफॉर्मेंस चल रहा था ना, राहुल का दिशा का सबका परफॉर्मेंस चल रहा था, हमारे परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा टाइम था। और जैसे दिलेर पाजी का परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ मेरी माँ का मैसेज आया, मैं चली। आधी रात को मिक्का पाजी की गाड़ी भी बंद हो गई थी, देखा क्या? हाँ पता नहीं खराब हो गई थी, बोलते चालू नहीं हो रही गाड़ी, चालू 300 पब्लिक ने धक्का मार दी, 300 पब्लिक ने धक्का मारा आधी रात में, फैंस लोग थे डाले थे इंस्टा पे। चलो अच्छा अब नई कार ले लेंगे, अच्छा है।
चलो ओके बाय, मेरा जिम का टाइम हो गया है। बाय बाय। अभी नया वीडियो आने वाला है ना, शूट कर रही हूं मैं। कितने दिन में? फिरोज के साथ कर रही हूं, फिरोज कोरियोग्राफर आता है ना जिम में। मैं 23 तारीख को कर रही हूं, 22-23। साथ में कौन है आपके? अभी देखो इजाज़ से बात चल रही है, पारस से बात चल रही है, अब फिरोज बात कर रहा है, किस किस से बात कर रहा है पता नहीं, बिकॉज ऐसा गाना कभी आया नहीं है। पूरा लॉकडाउन पे मतलब वाट लगाने वाला ऐसा गाना है, आग लगाने वाला है, आग लगाने वाला गाना है। फिरोज के साथ कर रही हूँ, तो अभी देखता अभी मैं स्लिम होने जा रही हूँ। पता मैं इतना स्लिम होती हूँ लेकिन मोटी क्यों दिखती हूँ मुझे नहीं पता, खाना कम खाती हूँ, कपड़े कपड़े डाइटिंग करती हूँ, मोटी क्यों दिखती हूँ मुझे नहीं पता। ओके राखी जी, ख्याल रखना मम्मी जी का। हाँ जरूर, बाय 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 बाय।